बस राखी सावंत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले शालिन चोपड़ा केस में उन्हें हिरासत में लिया गया, फिर उनकी मां का निधन हो गया, वहीं अब पति आदिल की सच्चाई सामने आई है। राखी सावंत के मुताबिक उनके पति आदिल दुरानी ने उन्हें धोखा दिया है। इतना ही नहीं, आदिल ने राखी को मारा है और उनके पैसे का दुरुपयोग भी किया। यही कारण है कि राखी ने आदिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मंगलवार को हिरासत में लेने के बाद आज पुलिस ने आदिल को अंधेरी कोर्ट में पेश किया। हालांकि कोर्ट में क्या हुआ अभी तक इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर आदिल का एक वीडियो जरूर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आदिल कोर्ट के अंदर जाते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान आदिल ने अपने मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कोर्ट में पेशी के बाद ओशीवाड़ा पुलिस आदिल को मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर गई। याद दिला दें कि राखी ने आदिल के खिलाफ मारपीट के आरोप लगाए हैं। राखी का कहना है कि जिस दिन उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ था उसी दिन आदिल ने उसे बुरी तरह पीटा था। राखी के बाद अब उनकी भाई ने भी आदिल के खिलाफ मीडिया में बयान दिया है। भाई ने कहा है कि आदिल पहले से ही शादीशुदा है। राखी के पास कई लड़कियों का फोन आया। उन्होंने राखी को आदिल की सच्चाई बताई है। हमें ये भी पता चला है कि आदिल के ऊपर पहले से ही कई सारे केस दर्ज है। उसने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। राखी सावंत ड्रामा क्वीन नहीं, राखी ने हिम्मत दिखाई है।